अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब। तो आज है संडे, देखा जाए तो तीसरा दिन है आज आजम का खतना के बाद, और वो बैठा है। अभी मैं आप लोगों को बताती हूँ, मैंने सुबह से व्लॉग नहीं शुरू किया क्योंकि आज का दिन ऐसा हो रहा था, खाली उसको पकड़ो पकड़ो पकड़ो, इधर पकड़ा पकड़ो, इधर पकड़ा पकड़ो। दो दिन से तो पैर हाथ पकड़ने पड़ रहे थे, वो भी खींच रहा है, रो रहा था। लेकिन आज ना वो माशाल्लाह से पूरे घर में राउंड राउंड घूम रहा है, उसको लेटना नहीं है, वो बैठा हुआ है। मैं बताती हूँ आप लोगों को, बैठे है तुम, बैठे, दर्द नहीं हो रहा है, अच्छा लग रहा है। आजू आजू। सो गाइस, आज भी मैंने व्लॉग इसलिए बनाना शुरू की, बताएंगे आपके भाईजान। तो गाइस, मैं ना अभी यहाँ पे कैमरा लेकर आई क्योंकि उनको पलट के बात करना पड़ा। और हाँ, क्या बोले? तो अम्मी लोग आ रहे हैं उम्रा से करके पहली बार घर पे, इसीलिए हमने व्लॉग स्टार्ट किया ताकि लोग ये ना बोले अब पहली बार तो ये ब्लॉग बनेगा, तो भी मैं क्या बता आप लोगों को, लेट ही जाएगा। हाँ, लेट ही जाएगा। तो फिर भी मैं पहले बोली मैंने शूट कर रही, क्योंकि देखो अभी आप लोग क्या करते हैं, मैं शूट करके रख लूंगी, अब रियाज के सारे वीडियोस आ जाएंगे, उसके बाद मैं ये वीडियो डालूंगी, तो आप लोग बोलेंगे हाय नाजिया जी, आपने तो ये इतना दिन पहले वीडियो शूट किया है, जब आजम का तीसरा दिन खतना का था, और अभी आप लाइव कर रहे हो, तो कमेंट ऐसे भी आने वाले। और अगर मैं शूट नहीं करके रखूंगी तो आप लोग मुझे जज भी करोगे कि अपनी अम्मी से नहीं मिली उमरा से आने के बाद, है ना बाबू? तो है ना, दोनों तरफ से लोग सोचते हैं, लोग बोलते हैं, लेकिन ये हम लोग ही समझते हैं कि हम पे क्या बीतती है जब आप लोगों के ऐसे कमेंट्स आते हैं। तो बस इसको शूट करके रख दूंगी, जब मौका मिलेगा तो डाल दूंगी। खैर, वैसे तो देखो मैं चाह रही थी कि ना अम्मी जब उमरा करके आए ना, तो मैं उनको अच्छी तरीके से दावत में, हाँ, उनके स्वागत में उनको दावत दूँ, फुलार करूँ, गिफ्ट ला के रखूँ, ऐसा सब कुछ मैंने सोचा था। बट ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं हो पाएगा अभी, क्योंकि आजम को लेके बाहर जा नहीं सकती, और उनको दावत देने का तो सोच ही थी। अम्मी भी अनप्लान ही आ रहे हैं। हम लोग उसमें गई थी ना शाम के टाइम पे, 5-6 बजे के टाइम पे, नानी के घर पे, तो नानी थे नहीं, तो नानी कुछ काम से बाहर गए थे, तो ये गए थे उज्मा को लेके, तो उज्मा वहीं रह गई। हाँ, उसको मैं छोड़ गया, मैं रियाज से मिला, सभा से मिला, अम्मी से नहीं मिल पाया, बट अम्मी खुद यहाँ पे आ रहे, तो अभी बोलती है मैं उज्मा को लेने आ रहा हूँ, तो नूर बोलती है अम्मी खुद आ रहे हैं यहाँ पे, तो अभी ऐसा तो नहीं बोल सकती ना, नहीं अम्मी तुम मत आओ, मैं तुमको दावत दूंगी तभी जाना। तो इसके लिए अभी देखो ये अनप्लान हम लोग की मीटिंग होने वाली है, तो ऐसा इसलिए मैंने सब डिटेल में बता दिया। भाई ये ब्लॉग लेट भी मिल सकता है, प्लीज़ उसके लिए भी मत कुछ बोलना, और मैंने कुछ नहीं किया उसके लिए भी कुछ मत बोलना, और मैं अम्मी से नहीं मिली ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं है, इसके लिए वीडियो शूट हो रहा है, ठीक है, वो भी आपके भाईजान बोले करके, अदरवाइज मैं तो नहीं कर रही थी शूट। ज़रूरी है यार, लोगों को गलत फहमी हो जाती है, इसके लिए क्लियर करना ज़रूरी होता है। आज तो वैसे बैठा, देखो उसने खुद ने पन्नी से कवर कर दिया, मुझे चुपाने की भी जरूरत नहीं है माशाल्लाह से। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, थैंक यू गाइस, आप लोग ने बहुत दुआ की मेरे बच्चे के लिए। कल के ही वीडियो में जो पहला दिन था वो वाला वीडियो आप लोगों ने कल देखा, और आप लोगों ने बहुत सारी दुआएं दिए, और कुछ लोगों ने बताया भी कि क्या लगाने से जल्दी ठीक हो जाएगा, तो सेम ऑयल हम लोगों को डॉक्टर ने भी लिख के दिए है, और वही लगा रहे हम लोग आजम को। तो आजम अभी माशाल्लाह अच्छा, कौन सा तेल नाम बताओ? लुकमान हयात तेल, लुकमान हयात तेल ही लगा रहे आजम को, तो ऐसा है। कल तो बहुत डर गई थी मैं, जब मैं उसकी पट्टी खुल गई थी ना, मैं बहुत डर गई थी, लेकिन डॉक्टर ने पट्टी नहीं बांधे वापस, तो हम लोग वो तेल बार बार लगा रहे, अभी अच्छा है ना माशाल्लाह, तो ऐसा। क्या टकली? कहाँ है मेरा अज्जू बेटा? ढोल 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 ढक ढक, फिर भी डर लगता है कि कहीं लग ना जाए। उसको क्या समझ में आ रहा है? अपने को समझ में आ रहा है, अपने को चीज़ें हटानी पड़ रही है उसके पास से। अभी खुदा ना खास्ता वो पॉकेट का कोई भी कोना वोना लग गया तो हटा दो, अभी मैं हटा दी हूँ, कैमरा बंद कर दो। हटा दी मैंने, ऊपर कर ली कैमरा। सो गाइस, एक बात तो बताई नहीं आप लोगों को, मैं बिल्कुल नहीं बताई, अभी आजम के साथ है ना घर के काम जो है मुश्किल पड़ रहे थे, झाड़ू जमीन कपड़ा बर्तन, इधर भाग उधर भाग, उसका ही खुद का बहुत ज्यादा था, इधर सुसु कर देता उधर सुसु कर देता, इतने कपड़े निकल रहे बहुत सारे, हम दोनों ना चीज़ों को बांट के कर रहे। कल भी खाना बनाई थी, परसों भी खाना बनाई थी, लेकिन आज थोड़ा सा ना रेस्ट है, क्योंकि ना आधी आधी नींद पूरी पूरी नहीं हो रही थी, आधी आधी नींद हो रही थी, उनकी भी आधी नींद मेरी भी आधी नींद, तो आज कैसा ना कल आपके भाईजान को जाने का काम पे, कल आपके भाईजान को जाने का काम पे, तो मैंने सोचा कि चलो आज ना थोड़ा रेस्ट ही ले लेते हैं बाबू। तो आज हम लोग ने घर में खाना नहीं बनाए हुए है, तो आज आएगा खाना बाहर से। क्या आने वाला है? दाल गोश्त, चिकन का दाल गोश्त, चिकन का दाल गोश्त का ऑर्डर दिया हो ना यहाँ, कल भी चलेगा हम लोग खाने में। अरे हाँ गाइस, लोग ने ना लास्ट टाइम कमेंट किया था, बहुत भर भर के कमेंट आए थे,
कि तुम दो जन है खाने वाले तो खाना इतना ज्यादा क्यों बनाए, क्यों मंगा इतना ज्यादा खाना। ऐसा ना कि अब मेरा बहुत सारे कैटर्स वाले हैं तो लोग क्या मिनिमम ऑर्डर लेते हैं जो वो एक किलो का, तो हम लोग मिनिमम ऑर्डर वो करना ही पड़ता है, वो एक किलो मिनिमम क्वांटिटी है, इसलिए हम लोग वो जो आप लोगों ने कोरमा देखे थे ना, कोरमा राइस, जब शेरू और नूर आए थे मेरे भाई बहन लोग आए थे, वो खाना ज्यादा नहीं था, वो एक किलो खाने का ही ऑर्डर दिए थे और खाना ना आप लोगों को लग रहा था वो ज्यादा है, लेकिन यहाँ पे ना ऑर्डर का खाना अगर आप मंगाते हो ना, खाना मंगाते हैं उसने बोला भाई नहीं हो पाएगा एक किलो, मिनिमम तीन किलो का है, तो भी हमने सब के एड्रेस भी एक किलो नहीं देते, सब के फोन किया तो सबका ठीक है बताया था, तब जाके वो आएगा हम लोग के पास। तो एक किलो खाना का जब ऑर्डर देते हैं तो वो हम लोग को दो दिन चल भी जाता है, देखो उससे कम तो मिलता है नहीं। अब इतना ज्यादा खाना आया है एक किलो, तो देखो नॉर्मली हम लोग के घर में ना दो टाइम पे आधे से पौना किलो खाना लगता है, ठीक है। अगर आपके भाईजान किस वजह से नहीं खाए, उस टाइम तो उनके दांत का दर्द था, अभी ठीक हो गया, अभी खाऊंगा मैं, टेंशन मत लो। अभी ऐसे नहीं उपाया था, क्या बोलते चिकन सुक्का खाया था मैंने, तो ऐसा गाइस, किसी वजह से अगर आपके भाईजान खाना नहीं खा पाए तो वो एक किलो खाना हमारे घर में दो दिन होने के बाद भी तीसरे दिन सुबह तक के बच्चा हुआ रहता है, तो ये होता है। लेकिन अगर हम लोग वक्त वक्त पे आज दोपहर में खाना खाए, रात को दो खाना खाए, तो आधा पौना किलो खाना तो हमको लगता है, अगर चावल की बात करूँ तो मैं, ठीक है, क्योंकि हम में भी चावल लवर है, तो ऐसा है। सो गाइस, तो इतना ज़्यादा खाना नहीं था, तो आज भी हम लोग ने दाल गोश्त का ऑर्डर दिए, देखो हमी अम्मी और हम लोग आएंगे ना, तो हम लोग सोच रहे कि ना अभी खाना आने चला 10 मिनट के अंदर, तो लोग खिला दो। अभी ये मैं क्लियर कर रही हूँ कि ये अनप्लान्ड है बाबू, ये कोइंसिडेंस है कि मैंने खाने का ऑर्डर दिया था, अगर मुझे पता होता अम्मी आएंगे आज तो मैं कुछ और भी करके रखती, आपके भाईजान को भेज देती कि कुछ लेके आ जाओ गिफ्ट्स में वगैरह ऐसा कुछ, बट मुझे नहीं मालूम था सच में, मुझे ऐसा लगा था कि आज पहला दिन है, उन लोग को वहाँ से आए बोलते ना वो जेट लैग होता है, थकावट होती है, मेरे को अजीब खांसी लगी पता नहीं क्यों, तो इस वजह से मैंने ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं लगे, मैं सोची थी आजम का 6-7 दिन हो जाएगा ना, मतलब थोड़ा वो ठीक फील करेगा ना, तब मैं बुलाऊंगी अम्मी लोग को, तो लेकिन खैर अभी देखते हैं इंशाल्लाह, अगर वैसा भी हुआ तो कर देंगे। अभी सोचेंगे कि ये अनप्लान नहीं है, प्लान है, कि इसको पता था कि माँ आने वाली, इसलिए इसने खाने का ऑर्डर, कोई सेंस है, इत्तेफाक है, हमने ऑर्डर पहले किया था मालूम है, अभी ना मैं जब गया था उसको छोड़ने, उसको बोल के आया था खाना नहीं खिलाना उस माँ को, कि मैंने ऑर्डर दिया है चिकन दाल गोश्त का, बोले थे बोल के आया था, मतलब मैं बोला खाना ही बना, तो उसने बोली वो एक किलो खाने का ऑर्डर देने का भी मकसद ये है कि होटल का जो खाना होता है ना, मेन मुझे होटल्स के खानों का टेस्ट ना एक ही जैसा लगता है, और मैं पेट भर के नहीं खा पाती, इसके लिए मैं भटियारे को ऑर्डर दे देती हूँ जिस टाइम मैं बना नहीं पाती हूँ, क्योंकि भटियारे का खाना फिर भी मेरे को एक बार ठीक लगता है। आ गए, अस्सलामु अलैकुम, मेरा ब्लॉग चालू ही था, मैं बड़बड़ उड़ 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 कर ही रही थी, कैसे अम्मी, ओ पकड़ो मेरी माँ से मिलने दो मेरे को, अल्लाह क्या महक रे अम्मी, माशाल्लाह क्या महक रे, मुबारक हो, हाथ मिला रही है, क्या लेके आई मिली, वालेकुम अस्सलाम, मेरा बच्चा खुश रहो, अरे पगले, मैं तो बहुत एक एक वीडियो देखी मैंने बहुत बारीकी से, क्या ना, 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 मेरा लगता है। आज क्या कर रहा है वो पूरे घर में रोल 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 घूम रहा है, माशाल्लाह, नहीं ऐसा मत बोल वीडियो में, नहीं तो नजर लगती है, हाँ क्या बोलते रहे आज, ये सब क्या लेके आ रहे तुम लोग, लेकिन अम्मी बहुत प्यारे लग रहे तुम लोग, बहुत माशाल्लाह, हाँ एकदम अलग चेहरे का नूर बदल गया तुम लोग का, तू भी पी पेट भर के, अच्छा आधा खड़े रह के पीने का, खड़े यही पानी की है जो खड़े रह के पीने का काबिज की तरह पेश करके और इंशाल्लाह दुआ करने का वो कबूल हो, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, भर भर के लेके आए तुमने तो दम दम, माशाल्लाह माशाल्लाह, तेरे लिए लाए हैं
तो तू ये खत्म होने के बाद और लगे तो और लगे, लेकिन कोशिश करना दो बॉटल उठा के रमजान के लिए रख देना। ये पूरा प्योर जमजम है ना, प्योर जमजम है माशाल्लाह। तो आधा मिला के हंडे में, हाँ वही आधा क्या कम, तुम एक कप भी मिला के हंडे में डाली ना, बराबर मिलता है। एयरपोर्ट पे आने के बाद आपको 5 लीटर मिलता है, 12.5 रियाल देना, वो पे करके लेना पड़ता है क्योंकि अपने तो लगेज में आता है ना मुंबई। ले लो ले आप, तो खड़े रह के पीने का वापस। ये आपने जमना, ये हम लोग भी जाने से पहले ना, सच बोलू तो जो नहीं जाता है ना असली वैल्यू उसको ही रहती है ना, सही ना। तुम लोग ना पेट भर भर के पिए, चलो मैं पी लेती हूँ पहले अल्लाह से दुआ करते हुए। आजम को भी पिला अच्छे से, थोड़ा सा आजम की साथे भी डाल दो। आजम को सारा चीज ना बने, चपिक को भी दे दे आजम, पिएगा क्या ये नहीं करना तुम्हें। आजम मेरे को एक पूछना है, ये मैं ना हजरे अस्वद का ये लाई हूँ, क्या कहते हैं इतर 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 हजरे अस्वद का जो काबा के शरीफ का जो घूमते ना वो इतर है, ये मदीना इतर है, मदीना शरीफ का है तो इसमें से ये तीनों भी बहुत महंगे हैं। लेकिन तीनों अब जो तुझे पसंद आ रहा है फिर मैं तुझे चेहरे को एक। ये कौन सा है? ये हजरे अस्वद का बोसा लेते हैं ना जहाँ पे मुंडी डालते हैं, हम लोग चुन नहीं पाए लास्ट तक नहीं चुन पाए शरीफ का। तो मैंने तीनों बना के लाई, तो शेरू बोला आपा जो चूज करेगी पहले आपा उठाएगी उसके बाद मैं और जीनी लेंगे, तो तीनों लेके जाओ। अच्छा ऐसा बोला क्या? वैसे कुछ पता नहीं चला उन लोग को क्या पसंद है, कभी ऐसा नहीं हो जाना चाहिए कि उन लोग को जो पसंद है वो मैं ले ली। चलो ठीक है, मैंने पहले ये बोली तो मैं यही लूंगी, ठीक है चलेगा चलेगा, बच्चे लोग को खेलने दो। हाँ तो ये वाला मैं ले लेती बस, ठीक है। ये बरकती खजूर है, इसको तू साल भर भी रख सकती। हाँ अजवा खजूर, अजवा खजूर लाए, ये बरकती खजूर है। ये देख खाने में खा भी सकते हैं लेकिन ये रखेंगे ना तो घर में बरकत रहती है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये अपने हुजूर की सुन्नत है, घर में रखते थे हुजूर हमेशा भर के। तो मतलब इसको कुछ होगा नहीं लॉन्ग टाइम के लिए? नहीं नहीं नहीं, खराब भी नहीं होते वो, तू खाने का रहेगा तो ना उसको मिक्सर में पीस के जूस भी बना सकती है। अच्छा, और ये है कलमी खजूर, ये वहाँ की बोलते ना स्पेशलिटीज में एक है कलमी खजूर। भाई नसीब हुआ हम लोग के घर में भी मक्का मदीना की शॉपिंग आई है। माशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से जरिया तुम लोग बन गए, लेकिन अल्लाह का शुक्र है। अच्छा ये है क्या इसके लिए? हाँ कमेंट भी आए थे, हाँ ये जरूर लाना बोल के। ये है अजवा खजूर, क्या बोल रहा था रियाज तू? ये अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आज पूरे मदीना में अजवा खजूर के झाड़े, माशाल्लाह शिफा होती है खजूर खाने से, माशाल्लाह। गई है तो भाईजान का आपका फोन लियो मैंने, तो उसमें थोड़ा क्वालिटी आपको कॉम्प्रोमाइज दिखेगी तो देख लेना प्लीज। अरे ये 3 पीस लाई थी मैंने ये कपड़े में रखने के लिए। खुशबू है हाँ, ये कपड़े में रखने क्या बोलते हैं हम इसको, यहाँ का क्या बोलते हैं? मुझे ना पूरा 12 पीस कपड़े में रखने। ओ खुशबू है, पीछे पड़ रहा है। मैंने 12 पैकेट लाई हूँ जिसमें से 3 ते को, 3 रियाज को, 3 नूर को और 3 चीनी को, और बाकी बचे हुए मैं ऐसा रखी। और ये है चॉकलेट, अरे सऊदी की चॉकलेट चाहिए गाइस, तो सऊदी की चॉकलेट और दुबई की चॉकलेट। अम्मी अब्बा जब आए थे तो कितना सारा सब कुछ लेके आए थे ना दुबई से। और ये है तेरे लिए मिक्स। अच्छा लेके आए वो भी ब्लू कलर की, बाबू खोलो बाबू, पीन के दिखाई दे बाबू लगाओ रे अपने आप पे, मतलब ऐसे लगाओ लगाओ। ओ माशाल्लाह, एक कैमरे में ना इनके थोड़ा वो वापरे वापरे बाबा, मम्मी इतनी महंगी, मैं खुद इतनी महंगी हो जाऊंगी पहन के। हाँ गाइस देख रहे हो आप लोग, रुको तो जरा ये देखो गाइस, मुंह से पहनना पड़ेगा, रुको मैं लगाती हूँ, मैं लगाती हूँ, ये लो पकड़ो, ये लो पकड़ो, कुछ भी नहीं चढ़ाया, मैचिंग करके लाई हूँ।
चल फिर मैं भी वैसी पहनूंगी सेम लाइव रमजान से पहले कराएंगे इसका खिताब ये यूसुफ और तबरेज और आजम तीनों का एक जैसा ये आजम का है बड़ा है बहुत बड़ा नहीं अभी ये भी हकीके में पहनेगा इंशाल्लाह बहुत बड़ा है नहीं भाई अरे ऐसा पहले का तो ऊपर हो जाएगा ना खड़ा करेंगे तो बराबर आता हो इतना नहीं वो मैं दे दूंगी इतना आता हो ये जिद्दा सा है पैर तक आता पैर तक आने वाला देखते आ जाएंगे और मैंने बड़े साइज का ली इससे बहुत छोटा था मुझे ली सही है ना ये अपना ये इसके लिए उस्मा के लिए उस्मा भाभी के लिए अपना यार भी पार्टी में जाती ना अल्लाह ये रमजान में मेरी बेटी पहनेगी बुरका जब तूने लाया था ना अजमेर से पूरा 5 साल मेरी बच्ची ने वो बुरका पहनी पूरा 5 साल पिछले साल खाली रमजान में बुरका नहीं पहनी मस्त क्वालिटी है माशाल्लाह आएगा अब ये 3-4 साल रमजान में वो यही पहनेगी अभी देखिए हमारे पूरा बुरका वो पहन के खुश रहेगी मेरी बच्ची तो देख ना अपने वहाँ खोल भी मेरे रूम में और क्या इसमें ना हेलीकॉप्टर उमरा और हज के लिए जो लब्बे कलमा पढ़ते हैं पूरा कलमा है अच्छा ऐसा क्या चालू कर यहाँ लगता नीचे से नीचे से मैं बहुत दुआ करी उसके लिए कल भागे का ले ले उन्हें राशन बोलेगा कुछ तो नए खिलौने दिखते हैं मुझे वरना वो उज्मा अप्पी के खिलौने इधर के टूटे हुए उधर के टूटे हुए मैं होती सही है नहीं हम लोग खिलौने लेते थे हम उसके ना क्या गड़बड़ गए मक्का में एक से एक खिलौने हम लोग को क्या लगा अभी सामान यहाँ से वहाँ जाएगा टूट जाएगा हम लोग मदीना से रवानगी में ले आजम के लिए एक भी नया खिलौना हमने खुद से नहीं और ना मदीना में खिलौने ही नहीं फिर हमने बोले जो जो मिल रहा वो तो ले लो कम से कम जाग के देख रहा बच्चा मेरा जो वहाँ पे चेन्नई में रहते हैं जिनके हस्बैंड जॉब करते हैं वहाँ पे तो वो वहीं पे शिफ्ट हो गए वो तेरी दीवानी बहुत है बाबा 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 चेरू की तेरी कितनी दीवानी से देखते वो अपना बहुत प्यार करते माशाल्लाह थैंक यू सो मच वो ना 4-5 दिन खाली भूले हम लोग लेकिन ये इसको ना थोड़ा बड़ा होगा मेरे ख्याल से ये मैं लाई हूँ वो ये साल पहन सकती है ये थोड़ा सा अगले साल पहन दरवाजे बंद करके ये देखो ये ऐसा है ये जब 9 साल की होगी ना हाँ तब पहने ये वाला है इसका तो ये देखो कैसे ऐसा है हाँ ये आगे भी सीने में पूरा आराम आएगा ऐसा देखो ना हाँ झालर अच्छा वो सामने आएगा माशाल्लाह ये सब उसके अरबी के लिए ना बहुत ये भी है उसका दो लाइन अच्छा दो है क्या और उसमें जानेमाज भी है उसमा के लिए नमाज पढ़ने के लिए उन्होंने लेके आए हुए है ये सब हम लेने वाले थे हाँ। लेकिन हमारा सोचा हुआ उन्होंने पहले लाके दे दिए उज्मा की जान मत ये देखिए हमारी उज्मा के लिए मैंने की घड़ी ये देखो ये मैंने ये मस्त है
हैदराबाद से भी लेके आए थे हमने सेम ऐसी ऑरेंज कलर में। और ये जाने मत दिए तेरे को। अरे अभी और नहीं जाने वाला रहा हूं। अच्छा लंदन में काम आएगा तो ये भाई भी जगह नहीं बच रही। चलो कोई बात नहीं यार। एक नरम हो गया अभी तुम आए ना अपने मेरे घर पे खाना खा के जाना। नहीं खाना खा के जाना। खाना बन गया बेटा। बिरयानी बनी है। हम लोग बिरयानी दम पे रख के इधर आई। मम्मी यार तुमने तो मौका ही नहीं दिया कि मुझे दावत देने। मैंने सोची थी तुम उमरा से आएंगे तो तुमको दावत दूंगी ये करूंगी वो करूंगी। लेकिन आज ऐसा था मेरा मैं बच्चे के साथ कहीं जा नहीं सकती थी कुछ कर नहीं सकती थी। मैं क्योंकि ना बिरयानी ना सब तैयारी करके रखी थी तो बस वही दम पे रखा। लगा यही था मतलब के शफीक तेरा कपड़ा मेरे पे उधार क्योंकि ना जेंट्स कपड़े बेटा ना वहाँ पे नहीं समझ में आने को तेरे लिए। अरे कोई मसला नहीं है तो तेरे लिए मैं ना। अरे कोई नहीं कपड़े बहुत है। नहीं नहीं मैं खरीदूंगी यार। अरे है मैं कपड़े बहुत है मत लो। अलग बात लेकिन मैं दूंगी तेरे। अरे रे रे जाने दो अम्मी की तरफ से मैं दिला दूंगी। हां मेरे को है वो बोलो अभी नहीं तेरे को भी गाड़ी को बात। अरे थैंक यू क्योंकि ना मेरे को ना बहुत दिल में था तेरे लिए लेने का लेकिन है ना जेंट्स मार्केट मेरे को नहीं समझ आ रही। मैंने चाय बना के आती हूं और जिप्पा भी जो है ना तू पहनता नहीं। हां सही पहनने मतलब मौका नहीं मिलता पहनने टाइम ही नहीं है मेरे पास। मतलब नहीं आ रहा उसके लिए लेके उसको मैं अलग से अपने तरफ से कपड़े ले आऊंगी। जॉब प्रोफाइल ही वैसा है ना कि टाइम नहीं मिलता। ये मेरे को बहुत अच्छा लगा ये ना ये हमारी उस्मा के फुल अस्तिन के मुझे बहुत अच्छे लगे उन्होंने लाए जो सही है ना। तो गाइस चाय पक चुकी है यहाँ पे चाय निकाल रही हूँ। उस्मान ने पहना है बुर्का। देखो बुर्का पहन के जा आईने में जाके देख। नहीं पापा बुर्का दिल्ला ही पहनते। इधर आओ इधर आओ। हाँ खड़े रहो इधर खड़े रहो। मेरे को तो इतना डर था कि मेरे बेटी की खतना मैं कैसे कराऊंगी। फाइनली माशाल्लाह हो गया। ए बुर्का पहन रही है टकली। अरे नखरे वाली है तू भी बहुत ऊपर उड़ी। ये सब क्या कर रहा है माँ? क्या खा रहा? खाली पुकट बोलते रहते मेरा बच्चा हाथ से नहीं खाता नहीं खाता नहीं खाता। खाता बार बार हाथ से अले उसमें ऐसी कर रहे फोटो खींचती है। अले बाप ले दुआ कर जैसे दुआ करती थी। याद आई गाइस आप लोगों को उसमें रमजान में दुआ करती थी ऐसे फोटो खिंचाती थी नकाब पहन के। वो भी बुर्का लाया था वो। हाँ अजमेर से तो ऐसा है। ये सब चटाई छोड़ के यहाँ की बैठा जल्दी जल्दी वो गिरा रहा बहुत है। तो गाइस थैंक यू। हाँ ये जिन्होंने गिफ्ट दिए मुझे। हाँ रुबिया जी ये जानमास बहुत प्यारी लगी मुझे सच में बहुत ज्यादा मुझे पसंद आया। और थैंक यू अम्मी थैंक यू सो मच। ये भी बहुत अच्छा लगा मेरे को उन्होंने जो लाया ना मेरी बच्ची के लिए। माँ की हाँ रियाज तक को याद आ रही कि नहीं बाकी कैसा लग रहा है आज पहला दिन है तेरा मुंबई के अंदर कैसा लग रहा है? थकान भी है क्योंकि हम लोग आने का सफर 20 घंटे का हुआ था क्योंकि हम लोग मदीना से जद्दा गए थे 7-8 घंटा मदीना से जद्दा जाने में लगा और फिर जद्दा से मुंबई तो डायरेक्ट फ्लाइट थी हम लोग मतलब मदीना से जद्दा और जद्दा से मुंबई तो 3 घंटा कैमरे के पीछे भाई किचन में बात है ना ताकत की है।
उतनी ताकत तुम्हारे में रहना चाहिए। अम्मी रुक जाओ दो मिनट, मुझे सिर्फ नहीं अम्मी देखो ना मेरी अम्मी खाना भी नहीं खा के जा रहे, लेके भी नहीं जा रहे। शेरू को बाहर जाने का है, इसके लिए मैं बोल रही जल्दी जाने थे। हम लोग दोपहर में भी खाना, अभी कितने महीने के बाद आएंगे मेरे घर पे, इंशाल्लाह आती हूँ बीच में। हम लोग ना सुबह से आए हुए लेकिन बच्चे के साथ बैठ के ना अभी तक एक निवाला खाना नहीं खाएंगे वाला खाना, फोटो खींचेंगे अभी जा रहे हैं। अभी हम लोग वीडियो को यहीं एंड करेंगे। आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। नाजिया शेख, हाँ ये है मेरी अम्मी मुमताज शेख, ठीक है, ये हमारा काम भी है। और ये लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ये तब तक बोलेंगे जब तक वीडियो बनेगा, ठीक है। अल्लाह हाफिज, ख्याल रखा। दो मिनट, ये देखिए ये आया है अपना चिकन का दाल गोश्त। अभी देखो ये एक किलो ही है लेकिन क्वांटिटी देख कर ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा है, और एक किलो से कब हम लोग के इधर पे ऑर्डर नहीं लेते हैं, ठीक है। ये देखिए, देख रहे हो तुम बाहर जा ही रहे हो ना अभी, मैं तो बोलती हूँ जाके दे दो अम्मी को, क्या बोलते हैं? ठीक है सही, बहुत ज़्यादा है। अपन कब तक खाएंगे, कल तुम थोड़ी ना है घर में। दे दे,